नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दीपावली का दिन है और सुबह की शुरुआत हो चुकी है। मैंने सोचा कि सुबह का जो काम होता है उसे फटाफट निपटा देती हूँ, उसके बाद हम आगे की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज का जो दिन होता है काफ़ी बिजी होता है। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू पहले से लगा लिया था, पोछा भी लगा लिया था, और मैंने सोचा कि चलो बेडशीट जो है वो भी चेंज कर दिया जाए, क्योंकि शाम को काफ़ी बिजी टाइम होता है, टाइम ही नहीं मिलेगा चेंज करने का। तो मैंने मॉर्निंग में ही सारे रूम का जो बेडशीट है उसे चेंज कर दिया, और साथ ही सोफा का कवर जो मैंने धोकर रखा था उसे भी लगा दिया। और उसे ख़त्म करने की कोशिश करें, लेकिन बहुत सारे जो काम होते हैं हमारे वो बच ही जाते हैं। तो मैंने जितने भी बेडशीट उतारे थे, मैंने सोचा कि चलो उसे भी धो लेते हैं। और यहाँ पे मैं छत पे उसे डालने आई हूँ, और जो मेरा छोटा वाला बेटा है वो भी पीछे आ गया है। जिस बाल्टी में मैंने कपड़े रखे हैं मेरा बेटा, उसी में पत्थर लाकर डालने की कोशिश कर रहा है। बहुत बार वो डाल भी चुका है। तो मैंने छत के नल से कपड़े को फिर से धोया और मैं उसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे मैं नहा कर फ्रेश होकर आ गई हूँ, और आज छत पे हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। लगता है साइक्लोन का असर झारखंड में पूरी तरह से दिख रहा है, क्योंकि हवा में काफ़ी ठंडी भी है। और मैं यहाँ पे बेडशीट पसारने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये उड़ जा रहा है, मैं पसार ही नहीं पा रही हूँ। तो मैंने बहुत कोशिश करने के बाद आप देख रहे होंगे कितनी तेज़ हवा है, चादर किस तरह से उड़ रहे हैं। मैंने नाश्ता करने से पहले सोचा कि दीये को पहले हम पानी में डाल लेते हैं। तो मैं और जो मेरा बड़ा वाला बेटा है, हम दोनों मिलकर साथ में दीये को पानी में डाल रहे हैं, क्योंकि उसे इन सब कामों में बहुत ही मन लगता है। यहाँ पर मैं दिए को पानी से निकाल रही हूँ, 2 घंटे के लगभग हो चुके हैं, और दिया हमारा पानी में बिल्कुल अच्छे से धुल गया है। यहाँ पे मैं दूसरे रूम में छुपकर ये काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो छोटा वाला बेटा है वो दिए को फेंक देगा, इस डर से मैंने दूसरे रूम में छुपकर सब निकाल लिया, और बाद में मैंने इस रूम को लॉक कर दिया। पूजा का टाइम हो गया है, तो मम्मी ने गणेश जी और लक्ष्मी जी को नए कपड़े पहनाए, साथ ही सिंहासन को भी तैयार किया और उन लोगों को माला पहनाया। और यहाँ पे पूजा करने के बाद मैंने थोड़ा सा अपना जो पूजा होता है वो संपन्न किया, और यहाँ पे मैंने झोली में कुछ पैसे और जो हमारा नियम होता है वही मैंने किया। Thank you.
चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हमारा छोटा सा घर। ये बाहर वाला रूम है, जस्ट सीढ़ी के सामने ये पड़ता है और दूसरे साइड से हम एंट्री करेंगे तो ये हमारा हॉल हो गया। और हॉल में दो रूम है और किचन है, तो हॉल में ही दोनों रूम के दरवाजे खुलते हैं और किचन का भी सारा हॉल से ही कनेक्टेड है। एक रूम ये हो गया और जस्ट इसके बगल में एक रूम है और साथ ही उसके बगल में ये किचन हो गया। तो इस रूम में मैंने खरगोश का पिंजरा रखा हुआ है और खरगोश है हमारे पास। और ये हॉल हो गया, ये एक और रूम है जहाँ पर पूजा होता है और इसमें बच्चों के बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं। ये रूम मेरा है जहाँ पर मैं बच्चों के साथ रहती हूँ, और ये मेरी मम्मी है और ये मेरा छोटा वाला बच्चा है। तो पूजा करने के बाद हम सब मंदिर जा रहे हैं। दरवाजे पे मैंने रंगोली तो नहीं बनाई थी, पर बाहर वाले गेट के सामने मैंने छोटी सी रंगोली बनाई है। और ये देखिए, पूजा मंदिर से आने के बाद मैं बाहर लगने वाले दिए को उसमें तेल भर रही हूँ, उसे तैयार कर रही हूँ ताकि बाहर रखे जाए दिए।
जाने के बाद हम छत पे बच्चों के साथ गए थे। थोड़ा से बच्चों ने पटाखे फोड़े, ज़्यादा हमने पटाखे नहीं फोड़े। और जो तेज़ हवा थी इस वजह से ना अच्छे से दिया जल रहा था, ना मोमबत्ती जल रहे थे, ना ही पटाखे अच्छे से फूट पा रहे थे, क्योंकि आग बिल्कुल लग ही नहीं रहा था। तो बच्चों के मन रखने के लिए मैंने थोड़ा सा छत पे गई और मैंने इसी तरह अपने दिवाली इंजॉय की। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल पे बने रहें।